चिकन अचार वाला। गुड़गांव नाम के गांव में रवि नाम का व्यक्ति चिकन का अचार बनाकर बोतलों में भरकर बेचता था। उसका बनाया हुआ अचार लोगों को बहुत पसंद था, इसीलिए वो काफी मशहूर हो गया। उस गांव का गुंडा था गब्बर। एक दिन गब्बर का आदमी राठौड़ रवि के पास आया। राठौड़ रवि से, हे भैया, आजकल तुम्हारे चिकन के अचार का खूब चर्चा हो रहा है। भैया, अपने गब्बर दादा को इस बात की खबर पहुंच गई, उन्होंने तुम्हें अपने अड्डे में बुलाया है। आज से हम सबके लिए चिकन बनाना ही तुम्हारा काम होगा। तब रवि, अरे भैया, ये चिकन का अचार बनाना अलग चीज है और चिकन का बाकी व्यंजन बनाना अलग चीज है। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे गुंडों की टोली है, तो तुम लोगों के लिए बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कह देते हूँ भैया, मैं बड़ा मुंह फट हूँ, आप लोगों को मुझसे परेशानी हो सकती है। ये बात जाकर तुम गब्बर दादा से कह दो, अगर वो ठीक है कहते हैं तो मैं चला आऊंगा। तब राठौड़ गब्बर के अड्डे पर गया और रवि ने जो कुछ बताया सब गब्बर से कहा। तब गब्बर, अरे राठौड़, इसमें क्या है रे, क्या हम लोग गाली गलौज नहीं करते हैं? उसे कहो कि हमारे पास आ जाए, अरे खाना बनाने वाला रहेगा तो मजा आएगा। तब राठौड़ ने ये बात जाकर रवि से कही। तब रवि आने के लिए मान गया। अगले दिन राठौड़ रवि को गब्बर के पास ले गया। वहाँ गब्बर के अड्डे पर गब्बर के साथ साथ और बहुत सारे लोग थे। रवि को देखकर गब्बर, अरे रवि, सुना है तू चिकन बहुत बढ़िया बनाता है रे, तुम हम सब के लिए चिकन बनाकर खिलाओ और अपना हुनर दिखाओ। तब रवि, अच्छा जी, यानी मैं चिकन बनाऊं और तुम सब उसे मुफ्त में ठूसते जाओ क्यों? अरे यूं सांड की तरह बैठे हो तुम सब, जाओ जाओ, जाकर 100 केजी चिकन ले आओ, साथ में गरम मसाला, तेल, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब ले आओ, तो मैं बनाकर दूंगा, वरना सोच लो तुम्हारे खाने में चूहे मार दवाई मिला दूंगा, कह देता हूँ। हाँ। तब सब सीधा ऊपर का टिकट काटोगे। तब गब्बर, अरे वो रवि, तेरा जबान बहुत चलता है रे, देखते हैं कितने दिन चलाता है तू। जब तुम मेरा रेंज देखेगा तब तू खुद हाथ जोड़कर बोलेगा, गब्बर भैया मुझे माफ कर दो। कहकर उसने अपने आदमियों को बोनलेस चिकन और बाकी सामान लाने के लिए भेज दिया। वे सब जाकर सारा माल लेकर आए और खाना बनाने में रवि की मदद करने लगे। इस तरह रवि ने उन लोगों के लिए खाना बनाया। बाद में उसने चिकन का अचार बनाकर प्लास्टिक बोतल में भरने लगा। ये देखकर गब्बर, अरे ये क्या रवि, हम तो सिर्फ 10 आदमी हैं, तुमने 100 आदमियों के लिए खाना क्यों बनाया और ये सब तुम प्लास्टिक की बोतलों में क्यों भर रहे हो? रवि, अरे ये क्या बार बार ये क्या है पूछते रहते हो है? ये सब चिकन का अचार है, सीधा मेरे दुकान में जाएगा। अब तुम्हारे पास बैठे बैठे सिर्फ तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं तो मेरे धंधे का क्या होगा है? भाई आखिर मेरे परिवार को भी तो जिंदा रहना है। और रही बात इतने सारे खाने की, भाई तुम जैसे कमीनों के लिए खाना बनाकर दे रहा हूं, तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। इस पाप को धोने के लिए ये खाना सब गरीबों में बटेगा, वो हो गया 70% और 10% रास्ते में जो कुत्ते घूमते रहते हैं उन्हें खिलाऊंगा। अब बाकी तो वैसे भी तुम लोग खाओगे ना है? तब गब्बर, अरे रवि ज्यादा जबान चला रहे रे, तू हमें समझता क्या है? कुत्तों को खिलाने के बाद जो खाना बचता है वो तुम हमें खिलाओगे है? कमीने, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रवि, हाँ हाँ यही कहने वाला था, रात के खाने के लिए अब प्याज को जरा छील कर रखो, कल आकर फिर से मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगा ना। और हाँ, कल ज्यादा चिकन मंगवाना भाई, अचार जो डालना है। कहकर चला गया। ये देखकर गब्बर अपने आदमियों से, अरे तुम लोग ज्यादा टेंशन ना लो, पहले तुम लोग चिकन खाओ, इसकी मैं कुछ दिनों में खबर लूंगा। तब राठौड़, अब भैया ये क्या, ये तो इतना अकड़ दिखा रहा है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। भैया आज हमारे खाने के लिए 30,000 रुपए खर्च हुए, इतने पैसों में हम 5-स्टार होटल में 5 दिन तक खा सकते हैं, अब पता नहीं आगे ये क्या करेगा। यूं कहकर सबने चिकन का खाना खाया।
यूं कुछ दिन बीत गए। रवि धीरे धीरे चिकन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते खाना बनाने लगा और चिकन के अचार बनाकर बोतलों में भरने लगा। ये सब देखकर एक दिन गब्बर रवि से, अरे ओए रवि, तुम ये सब क्या कर रहे हो भैया? जानते हो तुम किसके सामने काम कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें 10 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए बुलाया था और तुम 100 लोगों का खाना बनाकर इतना खाना वेस्ट क्यों कर रहे हो कमीने? अगर मेरा माथा ठनका तो मैं तुम्हें यहीं गोली से उड़ा दूंगा कमीने। तभी राठौड़ वहां दौड़ा दौड़ा आया और गब्बर से, भैया मुझे खबर मिली है कि हमारे पास आने के बाद ये विलायत में भी चिकन का अचार एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक खास बात, हमारे पास जिन्होंने काम छोड़ दिया था लोकेश और पप्पू, वो घर घर जाकर इसका अचार बेच रहे हैं गांव में। मैंने उन दोनों को बुलाया फिर से, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। कहने लगे ये चिकन अचार बेचने में बहुत मुनाफा है, यानी भैया ये तो हमें चूना लगा रहा है। और एक राज की बात बताऊं भैया, सुना है कि ये अपने जमाने में बहुत बड़ा गुंडा था, आप जितना जल्दी इसे पीछा छुड़ाओगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये सुनकर गब्बर ने रवि के हाथ जोड़े और उससे मिन्नतें करके उसे अपना पीछा छुड़ाया। तब से रवि अपना चिकन अचार बेचने में लग गया। फिर गब्बर ने कभी रवि से पंगा नहीं लिया।